हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी तक हमने हमारे कम्युनिकेशन वाले वीडियो में सीखा था कि जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं या जब भी हम स्टेज पे जाकर के प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक डर के साथ ऑपरेट करते हैं। एक फियर है हमारे मन में, वो फियर है कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, बहुत बेकार लगेगा। ये बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं जब भी हम प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इस फियर की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमें ये पता है कि फियर का मतलब है फॉल्स एविडेंस दैट अपियरिंग रियल, यानी कि वो चीजें जो नहीं है बट वो हमें ऐसा लगता है कि हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी ने कहा कि नेहा आपको प्रेजेंटेशन देनी है, बट मुझे मेरे अंदर बहुत सारा डर आ जाता है, तो ये है फियर। तो अब हमें इसे चेंज करना है फेस एवरीथिंग एंड राइज, यानी कि अब जब भी हमें कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहेगा या कोई भी हमें ये कहेगा कि चलिए स्टेज पर आइए, अपनी बात बताइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, तो हम डरेंगे नहीं, हम हर चीज को अच्छे से फेस करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे हम इसको कर सकते। तो जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल रियलिटी है, एक सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो आइए इंग्लिश से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर क्यों हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश 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 हर जगह। आप कितने भी नॉलेजेबल हो बट आपको लोग लैंग्वेज ठीक करने के लिए कहते हैं, कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए। तो इसका जो सबसे पहला रीजन है वो ये कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, यानी कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। कोई भी कंट्री का व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है, तो आज के टाइम पर ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनती जा रही है। दूसरी चीज कि जो इंडिया है, इंडिया में खुद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हर मिनट मिनट पे अगर हम रास्ता चेंज करें तो लैंग्वेजेस बदलती हैं। तो कहीं ना कहीं को इंडिया को जोड़े रखने के लिए जो एक भाषा है जो चल रही है वो है इंग्लिश। अब कई बार लोग ये सोच सकते होंगे कि यार हिंदी भी तो बोली जाती है इंडिया में, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। पर अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तब आप ये पाएंगे कि साउथ इंडिया में हिंदी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, यानी लोग बहुत ज्यादा हिंदी नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें जोड़ती है, जो हमें यूनाइट करती है। तीसरी चीज कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और उन सभी चीजों को फंक्शन करने के लिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको समझने में मदद कर सकती है और आपको लोगों को समझाने में मदद कर सकती है। चौथी चीज कि जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो हो सकता है 12th तक आप हिंदी मीडियम में पढ़े। इवन मैं ये मान सकती हूँ कि आप ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से कर सकते, बट देर आर सब्जेक्ट जिनको अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो इंग्लिश आपको एज इट इज किसी भी हालात में सीखनी ही पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये कि अगर आप एमएनसीज में या कॉर्पोरेट्स में काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी इंग्लिश एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, एक बहुत इम्पोर्टेंट भाषा है, क्योंकि हर जगह हर एमएनसी में हर कॉर्पोरेट्स में लोग इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि फिर से वो जैसे कि मैंने कहा मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में काम कर रही है। और जैसा कि हमने अभी सीखा कि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इस हिसाब से इंग्लिश आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिरी चीज बट बहुत इम्पोर्टेंट कि आज कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑनलाइन, यानी कि मैक्सिमम चीजें जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं। आप सभी लोग इवन अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं, मगर ये जो ऑनलाइन लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश। कहीं ना कहीं हम इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अंग्रेजी भाषा जो है वो हम सभी के लिए
बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम इंग्लिश को नकार नहीं सकते, हम ये कह सकते हैं कि भाई मुझे तो इंग्लिश भाषा नहीं आती, बट हाँ आपको वो सीखनी पड़ेगी और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे आप बाकी भाषाएं सीखते हैं, इंग्लिश भी वैसे ही उतनी ही आसान है, बस आप थोड़े से एफर्ट आपको देने पड़ेंगे। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे क्या छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश भाषा को समझने के लिए और सीखने के लिए। तो आज बेसिकली हम ये बात करेंगे कि इंग्लिश को का ये जो डर है हमारे अंदर, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते, हर किसी को बेसिक्स आते हैं, एबीसीडी हमें पता है, वर्ड्स हम पहचानते हैं, रीडिंग हम कर सकते हैं, बट हमारे अंदर एक डर है कि हम उसे बोल नहीं सकते, हम उसे निकाल नहीं सकते। तो इस डर को खत्म करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी, कुछ सोल्यूशन शेयर करूंगी, और वो सोल्यूशन अगर आप अपनी लाइफ में डेली लेवल पर यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने इंग्लिश भाषा को बेटर कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश की न्यूज सुने, डेली सुने, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, उसको इंग्लिश की न्यूज सुने और इंग्लिश की न्यूज पढ़े। हो सकता है शुरुआत के 10-15 दिनों में आपको कुछ नहीं समझ आएगा, मगर धीरे 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 करके आप उन वर्ड्स को पकड़ने लगेंगे, अंडरस्टैंड करने लगेंगे, सेंटेंसेस आपके खुद फॉर्म होने लगेंगे, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इंग्लिश की न्यूज सुने और पढ़ें, ठीक है, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो वर्ड्स हैं, जो जो जिस भाषा में कहे गए हैं, जिस लहजे में कहे गए हैं, उनको इसी लहजे में कहने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कम्युनिकेशन, तो आप कई बार हम होता है कि हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोनाउंस नहीं कर पाते, जिनको हम बोल नहीं पाते, जिनका हम उच्चारण नहीं कर पाते, तो जरूरी है कि आप उन शब्दों का उच्चारण करें उसी तरीके से जो उच्चारण सही है। जैसे अगर आप टीवी में न्यूज सुनेंगे तो जो न्यूज एंकर जो भी बोल रहा है या बोल रही है, आप उसको कॉपी करें कि अच्छा उसने ये लाइन बोली, मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जो एक डर है कि यार मैं तो इंग्लिश बोल नहीं पाता, वो डर खत्म होगा, वो डर कम होगा। तो जरूरी है कि आप उन वर्ड्स को कॉपी करें और उन्हें उसी लहजे में बोले जिस जिस लहजे में वो बोले गए हैं। फिर दूसरी चीज कि आप अपना एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएं, ठीक, उसको मान लो आपने एक 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 पैराग्राफ लिखा छोटा सा, उसको वॉइस रिकॉर्ड करें और उसको सुने। जब भी हम कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं और उसको सुनते हैं, तो सुनते ही हमें उसकी गलतियां पता चल जाती हैं। तो आप उन गलतियों को पकड़ें और उसके बाद फिर उसे री रिकॉर्ड करें। तो जैसे मानिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मान लो मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा, मेरे बारे में 10 लाइनें लिखी और उन 10 लाइनों को मैंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड ऐसे किया कि मैं किसी को समझा रही हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ अपने बारे में, जैसे कि मैं एक इंटरव्यू के लिए गई हूँ और वहां पर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो उस हिसाब से आप उसको रिकॉर्ड करें, उसको सुने, और सुनने में आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां करी, कौन कौन से शब्द आपके अच्छे से उच्चारण नहीं हुए या कौन कौन से शब्द आपने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किए, तो उनको आप बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और उसको फिर से रिकॉर्ड करें। तो आपको पहले वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, उसको करेक्ट करना है और फिर री रिकॉर्ड करना है ताकि आप उसको और बेटर बना सके। नेक्स्ट जो है वो ये कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो अवेलेबल हैं आपकी ग्रामर को ठीक करने के लिए। तो ऑनलाइन आप बहुत सारे वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, गूगल पे जा करके फोन में अपने ग्रामर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस जो बहुत जरूरी है। इससे एटलीस्ट आपके सेंटेंसेस फॉर्म होने में आपको मुश्किल नहीं, सेंटेंसेस आप इजिली बना पाएंगे। अगला जो मेरा सजेशन है वो ये कि YouTube पर जाएं, YouTube पर TEDx के वीडियोस देखें जो इंग्लिश में हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेटर होते हैं। अगर आप उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से हेल्प करें, क्योंकि TEDx में मेजरली वो ही लोग आते हैं जो जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया अपनी लाइफ, तो वो आपको इंस्पायर करेगा। और दूसरी चीज, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो आपको बेटर बनाएगी, क्योंकि आपको ये फील होगा, ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं आप और वो जो है वो सिमिलर है ना, आप भी उसी स्टेज उसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो यूट्यूब पे जरूर जा करके टेडेक्स के वीडियोस देखें। नेक्स्ट है इंग्लिश मूवीज देखें,
शोज देखें और उनको सबटाइटल्स के साथ देखें। मुझे पता है समझ नहीं आएगा, कोई भी मूवी नहीं देखना चाहता, मूवी तो एटलीस्ट हम हिंदी में देखना चाहते हैं, आई नो दैट, बट इंग्लिश को सुधारने के लिए जरूरी है कि हम इंग्लिश मूवीज देखें, सबटाइटल्स के साथ देखें। इससे क्या होगा, इससे ये बेटर होता है कि जब सामने वाला आपको आपको बोल रहा होता है या कुछ कह रहा होता है तो उसके फेस पर एक्सप्रेशन आते हैं। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस बोलने के साथ साथ आप उस एक्सप्रेशन को कॉपी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई अच्छी बात बतानी है तो मैं स्माइल करके बताऊंगी, या अगर मैं किसी बात से लेकर के दुखी हूं तो हो सकता है मैं उस बात को सैड होकर के बताऊंगी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जब मूवीज देखेंगे, आप जब अलग अलग शोज देखेंगे, तो वो ये आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से बोलने के साथ साथ अपने फीलिंग्स भी ला सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने बोलना शुरू किया और आप बहुत ही ब्लंट, मतलब आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई कोई फीलिंग नहीं है, और आप बस बोले जा रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह नहीं लिया, हमने उसे याद कर लिया और उसे हमने बोलना शुरू कर दिया। तो इनसे जो वीडियोज आप देखेंगे या जो मूवीज आप देखेंगे, उससे ये होगा कि आप एटलीस्ट समझ पाएंगे कि आपको अगर कोई लाइन बोलनी है तो वो किस एक्सप्रेशन के साथ बोलनी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये करें। फिर उसके अलावा रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। रोजाना सिर्फ अपनी जिंदगी के दिन के 15 मिनट आप रीड कर लिए, न्यूज़पेपर रीड कर लिए, और लाउड रीडिंग करिए। लाउड रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लाउड रीडिंग से ये होता है कि आपके जो शब्द है, आपकी जो आवाज है, वो बेटर होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन। जब भी कई बार होता है कि आपको आता है, आपको समझ आता है, आप बोल भी लेते हैं, बट आपको बोलने में हिचक है। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो प्रैक्टिस नहीं किया। तो जरूरी है कि आप लाउड रीडिंग करें। ये लाउड रीडिंग आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते।